को नहीं पता ना, इन लोगों को आदत है सब्सक्राइबर्स बनने की, फैंस बनने की। बिल्कुल, जब भाई के घर के बाहर कोई समझ ले को हमारे होते होते बाबा जी के, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बिल्कुल ठीक, पापा ने हमारी पप्पो है तो उन्होंने कहा जाके पप्पो का आपने पहले शुक्रिया अदा करना कि ईद मुबारक अगेन आपको, ईद मुबारक घर पे भी सबको, ईद मुबारक, शहर मुबारक। बहुत रश है यार इधर तो, भैया इधर आ यार, चला भाई इधर आओ। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो गाइस कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बिल्कुल सही जा रही है। आज है ईद का दूसरा दिन, ईद का एक दिन गुजर चुका है और हमने ईद का पहला दिन कर दिया था सारा बेकार, कुछ भी नहीं किया, कोई मजा नहीं आया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खाने का मजा आया, मीठे का मजा आया और कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज है ईद का दूसरा दिन, तो आज हमारे हैं कुछ प्लान्स और हमने कहा यार आप लोगों के अंदर, आप कह रहे हैं यार क्या खचे मारी जा रहे हैं यार ये लोग, कुछ शर्म है, कुछ कुछ शर्म आया है, कार क्यों नहीं है। तो मैंने आज प्लान किया है बहुत वीआईपी सा प्लान, वो वीआईपी प्लान क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। पहले तो यार आप सबको अगेन बहुत 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 ईद मुबारक। आज का प्लान कुछ इस तरह का है कि जाजिब, मैं, सुफियान, फारूक और एक और दोस्त है, हम सबका प्लान बना है स्विमिंग पूल जाने का, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो गया ना यार के बस छोड़ दो यार, रमजान गुजरा है, इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ी है, स्विमिंग पूल जाने का, ठंडे ठंडे पानी में जाके नहाएंगे तो मुझे लगता तो यह वहां जाके रश होगा, लेकिन अभी पता कुछ भी नहीं है और देखते हैं। तो जाके अल्लाह करे रश ना हो, अगर रश हुआ तो मैं जाजी साहब को नहीं छोड़ूंगा, अब आगे सीन देखते हैं, अल्लाह करे रश ना हो। अब जल्दी निकलते हैं, कपड़े शपड़े बदलते हैं और स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून। और एक और बात, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या कर रहे हो यार, चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों करो सब्सक्राइब, क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे, कर दो यार सब्सक्राइब, कुछ ही नहीं होता यार, चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी आके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, स्टे ट्यून, जल्दी चलते हैं, चलते हैं। और भाई जी हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक ठाक हो, आज कितना गंदा रश है यार, क्या करना, जाना आना है कि नहीं जाना, सारा लगता है बंदा नहाने आया, इधर आया बहुत तुझे शौक था नहाने का, नहा इधर नहा, तेरे लिए बैठा दो दो हजार के शूज है, फड़ूक यार दो मिनट सफर डाल रहे, तूने आवाम के सामने शुरू हो गया, एक देना लोकर दे देना। छा ना ले फोन दे इधर मुझे, जा चल जा, इधर किधर जा रहा है, किधर इधर इधर रहने दे, इधर ना, इधर जादीब शाहिब ना जा, सब कह रहे ऊपर से स्लाइड लेनी है, मैं मना कर रहा हूँ उसको, लेकिन नहीं ना जा यार, ना जा इधर दफा होगा, नहीं जाना, हाँ जिंदा क्या जो मैं लेकर आता हूँ, वहां से है उसका सर लगा इतनी जोर से, वो सुफियान को भेजा जा, तुरे इसलिए मना कर रहा था मैं, ना जा इधर है तमीज से, ये
गाइस तो हम यहाँ से आगे थे बिरयानी खाने क्योंकि हमें लगी थी भूख, तो हमारे मास्टर बिरयानी की लोकल ब्रांच बिरयानी मास्टर ठीक है, और अभी हम ठीक है यहाँ से बिरयानी खाएंगे, उसके बाद देखते इधर की बिरयानी है कैसी। कौन सी करवाई है फड़ू तेरा, क्या तेरी मत बज गई भैया? मलाई बोटी यार बिरयानी। हाय 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 मलाई, तूने कौन सी करी, कबाब या मलाई? पता नहीं मलाई शायद। बात का जवाब दे, अगर बिरयानी ना मजे की दिखे तुझे पता हो तेरे का क्या होगा क्या होएगा इतनी भैया, मैं तो मास्टर बिरयानी समझ के आया था। ऑफ कैमरा बताऊंगा तुझे क्या ऑफ कैमरा बताऊंगा क्या नहीं क्या बताएगा तू, इतनी तेरी औकात हो गई जो मुझे बताएगा तू। ये तुम्हारी बिरयानी आ गया सामने ठीक है, ये रही माशाल्लाह बिरयानी सुफियान साहब। ओए ओए लटक गई था यार, जल क्या काट रहा है, शाबाश खिला 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 शाबाश। और जब बिरयानी खा कैसी है? हाँ फड़ूसा मजे की थी कि नहीं थी? सच्ची सच्ची मजे की थी। हाँ जादीप वी आई पी यार। ओके सलाम अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ईद मुबारक बहुत बहुत आपको, कैसे थी भैया आपकी? ठीक ठाक है बाबा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बाबा बिल्कुल ठीक। पापा ने पिछली बार व्लॉग देखा, कह रही थी आंटी को जाके पहले खास मेरा स्पेशल देना है क्या मेरे हमारी पुप्पो है, तो उन्होंने कहा जाके पुप्पो का आपने पहले शुक्रिया अदा करना कि पुप्पो मैं फिर इतने प्यार से मिल गया। मौला मेरा तो भाई है बिल्कुल, बहुत इज्जत करने वाला बहुत प्यार करने वाला इंसान, अल्लाह पाक उसको तरक्की कामयाबी दे, बच्चों को कामयाबियां दे मौला, जो भाई बहनों का मान रखते हैं दिल से दुआएं लेते हैं। बिल्कुल उन्होंने मुझे स्पेशल, उन्होंने वाकई दिल से दुआएं लेते हैं उनको, हमने उनको नहीं बताया था, हमने उनको नहीं बताया, हम रहे घर जा रहे हो, पहले मैंने डांटा कि यार आप लोग क्यों तंग करने गए हो, मैंने कहा नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, जब तंग होती नहीं बेटे, बस ये अगर जब भी घर पे हो नहीं ये तो इस चीज नहीं होता तो फिर मसला बनता, घर पे होते हम लोग नहीं। बिल्कुल 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 वालेकुम सलाम, कैसे भी है आपकी क्या हाल चाल है? अच्छा जब भाई क्या कहते हैं, पहले तो आपको ईद मुबारक बहुत बहुत ठीक है और खैर मुबारक। यार जब भी हम रिसेंट एक वीडियो बना के गए थे आपसे ना, मतलब आपके साथ, तो नीचे ना जो ये कुछ लोग थे वो कमेंट के काटे थे कि रजब भाई का चमचा चमचा वादू ना, मतलब कि एक रिसेंट कमेंट के अंदर कोई वादू तादाद के अंदर सारे आते सारे के चमचे हैं बिल्कुल, इनको कौन समझा है? उनको नहीं पता ना, इन लोगों को आदत है सब्सक्राइबर्स बनने की फैंस बनने की बिल्कुल, एंड हमें नहीं पता कि फैमिली मेंबर्स की उधर बिल्कुल ठीक है, जो इस तरह के चमचे चमचे वाले कमेंट करते हैं ना वो आप देख लेना, वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं होंगे, उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया होगा बिल्कुल ऐसे ही है, वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, हमारी फैमिली है एक रजे फैमिली बिल्कुल, सारे बहन भाई हैं जो आए हैं, मेरे भाई हैं बेशक, आती हैं मेरी बहनें हैं बिल्कुल ठीक है ना, तो जो कहते हैं वो किसी और पार्टी के बंदे होते हैं बिल्कुल, इस वजह से पॉलिटिक्स ही चल रही है यहाँ पर नहीं नहीं, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं, हम तो बनाई जाएंगे सीधी बात है, तो आपके साथ प्यार है, तो मैंने यही छोटे भाई सारे कही जा रहे थे कि यार नहीं नहीं, मैंने कहा हम इधर बिल्कुल पास ही थे, तो मैंने कहा चला इधर लगे तंग ठीक है, तो मैंने कहा ईद मुबारक अगेन आपको, मुबारक घर पर भी सबको ईद मुबारक, शहर मुबारक मुबारक ठीक है, चलते हैं फिर हम, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज। एक उम्र साहब ईद मुबारक, कैसी तबीयत है आपकी? आपको पूछ रहे अंदर बुला रहे हैं, तो क्या कहते हैं जाजिर मुझे बोला कि यार, और फारूक बोल रहा था दोनों कि यार चला हमने इसी रास्ते से ना, तो इधर से चल जाते कोई मसला नहीं है, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार नहीं यार छोड़ यार अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने कहा चलना है, आप लोग भी यही समझ जाएंगे कि कासिम साहब को ही होती है, कासिम साहब को चल देते हैं यार, मैं हर दफ़ा नहीं होता यार, जब मैं जाना था मैं चल जाता हूँ, लेकिन ये जाजिर और फारूक थे वो कहते चलना चलना है, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर हम रस्ते में ही, अगर हम स्पेशल नहीं आए, हम इधर से चले गए रस्ते में थे, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जितने प्यार से दोबारा मिले, तो हम उनकी तरफ चले गए, और मैंने लिटरली अपनी आंखों के सामने भी देखा कि रजब भाई के घर के बाहर कोई समझ ले को हमारे होते होते मैक्सिमम कोई 5 से 6 फैमिलीज आई हैं, और मैं साइड पर रहता, सीधी बात है वो फैमिलीज आती थी तो मैं पीछे रहता, मैंने कहा मैं व्लॉग बनाऊँ, वो आना चाहे नहीं आना चाहे तो अच्छी बात है, मैं इसलिए चुप करके साइड पे था, मैंने बोला रजब भैया मिलो आराम से कोई टेंशन नहीं है, वो मिलते रहे उनको, उसके बाद जब थोड़ा बहुत फ्री हुए हैं तो फिर मैंने उनको बोला, तो और वो यकीन माने वो बेचारा एक दफ़ा अंदर चाहे दूसरी दफ़ा पाया, 1, 2, 3, 4 लिटरली अल्लाह थोड़ा था सीन, लेकिन यार कोई बात नहीं, फिर भी वो सबको इतनी इज्जत देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और बाकी रही बात इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह थर्ड ईद का थर्ड डे भी बनाने की कोशिश करूंगा कि हमारा थर्ड डे भी कोई अच्छा अच्छा प्लान बन जाए आप लोगों के लिए दिखाएं दिखाएंगे, तो मैंने कहा आज का व्लॉग करते थे यहीं एंड, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का व्लॉग आया होगा पसंद, और स्टे ट्यून, और लेकिन यार आप सबसे एक रिक्वेस्ट है यार, जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या हो जाएगा यार चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करें आप, बाकी आज का व्लॉग करते थे खत्म, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, स्टे ट्यून स्टे हैप्पी एंड अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।